चले मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ, यदि आप वहाँ नहीं गए हैं तो आपको इसी वीडियो में देख के पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में जो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है बट कोई बात नहीं, आपको इसमें सारी चीज़ देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें अवेलेबल है यहाँ पे, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। सो गाइस, मैं किरण, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी जगह आज लेके जाने वाली हूँ जहाँ बहुत ही घूमने मज़ा आता है। वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, आपका टाइम पास बिल्कुल ही 4-5 घंटा तो हो ही जाएगा। यदि आप उसके नियर बाय रहते हो तो आप वहाँ जा सकते हो, बहुत ही सस्ते दामों पे मिलता है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मैं पहले आपको दिखाती हूँ वो जगह कौन सी है। यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर से बताइए कि कौन सी जगह है, आप वहाँ गए कि नहीं गए हैं, तो जरूर कमेंट में बताइए। हम लोग चलते हैं उस जगह पे जहाँ मैं घूम के आई हूँ, शायद आप चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है वो जगह जहाँ के लिए मैं आपको बता रही थी, और ये रहा इसका मेन गेट, और इसके बाजू में टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट लेके ही हमें अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तो चलो मैं बता ही देती हूँ, ये है शिल्पारामम जो कि हैदराबाद की माधवपुर जगह में स्थित है, और यह जगह न केवल हैदराबाद में बल्कि पूरे देश में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे घर सजाने का सामान से लेके पूरे सारी लेडीज़ का सामान पूरा मटेरियल अवेलेबल है सस्ते दामों में। इस ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं सारी चीज़ आपको दिखलाऊंगी और बताऊंगी, बहुत सस्ते दामों पे सारा सामान अवेलेबल है। और ये सारे हमारे ग्रुप के क्यूट क्यूट फ्रेंड लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, पहले इस तरह नहीं प्लेन हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा ही बना दिया गया है, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं लोग। और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत फूल है, इस ग्राउंड के चारों ओर फूल लगे हुए हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, यहाँ से आपको हटने का मन नहीं करेगा, आप एक बार ज़रूर यहाँ आइए और शॉपिंग कीजिए, बहुत सस्ते दाम में बहुत सारे सामान अवेलेबल हैं। एंड चलिए और कहीं चलते हैं, यहाँ पे चारों लोग ही लोग दिख रहे होंगे आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे डेली हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। इस जगह पे देखिए बच्चों के लिए भी खेलने का पार्क है, बच्चे आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, मैं शॉपिंग एरिया में आपको लेके जाऊंगी, वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे गुरु जी का मूर्ति बना हुआ है, ये तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, और देखे डालते हुए हम लोग कहाँ पे आज पहुँचे हैं, ये बहुत अच्छी जगह फोटो से नहीं, नहीं, लोग शूटिंग कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी आगे। और अब मैं अपने ग्रुप के सबसे छोटे एंड प्यारे बच्चे से मिलवाती हूँ, ये रहे। प्यारा बच्चा, आपको कोई गोद नहीं लेता। ये देखिए कुछ चादरा का बना हुआ है, अब ये देखिए वॉल पे जंगली जानवर बने हुए मेटल से, बहुत सारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए सामने क्या आ रहा है, ये है क्या है, ये है बैलगाड़ी। देखिए यहाँ लेक भी है जिसमें बोटिंग भी होता है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। मैं
वीडियो बने रहिएगा। अब वक्त आ गया है कुछ शॉपिंग करने का। शॉपिंग एरिया में जाते हैं हम लोग। देखिए हमारे प्यारे बेबी कहाँ से घूम के आ रहे हैं। हो गया ट्रैवलिंग? हो गया। चलिए क्यों बाकी सब कहाँ है? वो नहीं आएंगे। अरे ये देखिए क्या आ रहा है सामने से। इसका नाम है बैल गाड़ी। हाँ 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 बैल गाड़ी। बच्चों को भूख लग गई है सो बच्चे स्नैक्स खा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए शॉपिंग एरिया। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी के बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं कलरफुल। यहाँ पे मार्बल का सामान है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मेटेलिक सामान है रंग बिरंगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। हम लोगों ने यहाँ से भी परचेज किया था बहुत ही कम दामों पे। बार्गेनिंग भी होता है। अब चलते हैं ऊट के सामान की जगह पे। ये देखिए ऊट के सामान है बहुत सारे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ वॉच भी है और क्या प्राइस है? बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैं हाथ में एक ली हूँ। सो कितना है प्राइस है? इसका प्राइस क्या है? तो इसका प्राइस उन्होंने मुझे बताया। हम इसे बहुत कम दाम में भी ले सकते थे बार्गेनिंग करके। एंड ये देखिए ये ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे बहुत प्यारे यहाँ पे भी बच्चों के लिए छोटे छोटे ऊट के खिलौने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। और यहाँ पे देखिए कुछ भगवान की मूर्ति हैं जो वॉल में हम हैंग करके लगा सकते हैं अपने घर में। बहुत ही सुंदर हैं गणेश जी के कृष्ण जी के बहुत वेराइटीज हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये केवल पेपर के बने हुए हैं सारा हैंगिंग। एंड कुछ छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी हैं जो कि पेपर के बने हुए हैं। उड़ीसा से लाते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं मोती के लिए हैदराबाद बहुत फेमस है। तो इस शॉप में देखें मोती हैं वैरायटी ऑफ मोती यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये काफ़ी बड़ी सी शॉप है ज्वेलरी का। यहाँ पे हर तरह का ज्वेलरी मिल जाएगी आपको गले का हाथ का कान का। ये रहा पर्स। पर्स भी मिलेगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ से बहुत परचेस किया। यहाँ पे सिल्क के क्लॉथ भी बहुत सारे मिल जाएंगे ड्रेसेस साड़ी दुपट्टा। और ये देखिए मुझे तो सबसे प्यारा ये फ्लावर्स का ही शॉप लगा। वेराइटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं कलरफुल। एंड पॉट भी बहुत सारे हैं बहुत प्यारे प्यारे पॉट हैं। और ये फ्लावर्स बहुत ही सस्ते दामों पे हैं। तो फ्रेंड हम लोगों ने शिल्पा रामन से ढेर सारा शॉपिंग किया खूब इंजॉय किया। और शॉपिंग करते करते शाम हो गया। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। घर वापस जाने का तो मन नहीं कर रहा है। चारों ओर सुंदरता बहुत बढ़ गया है। और यहाँ पे डेली हजारों लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए घूमने के लिए इंजॉय करने के लिए। सो फ्रेंड आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए यदि नहीं आए हों तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। सो फ्रेंड आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा आने वाला वीडियो और भी अच्छा रहेगा उसे देखने के लिए इस वीडियो को इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।